हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टॉक्स पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन से लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आरसीसीबी क्वेश्चन सबसे पहला हमारा होता है कि आरसीसीबी हम क्यों यूज करते हैं, जबकि एमसीबी हमारा सस्ता होता है, एमसीबी भी यूज कर सकते हैं, एमसीबी से भी काम चल जाएगा। और उसके साथ ये क्वेश्चन आता है कि आरसीसीबी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है। देखिए, तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म हमने रट्टा मार के या कुछ भी करके पता हो ही जाता है कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेजिडुअल करंट होता क्या है, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम आरसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमारा जो आरसीसीबी होता है वो किरचॉफ लॉ पे काम करता है। हमने डिप्लोमा या बीटेक या आईटीआई सब में पढ़ा हुआ है कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे अपने, जो कि हमारा एक केसीएल था और एक केवीएल था। तो हमें केवीएल को अभी यहां पे नहीं भूल जाना है, क्योंकि हमारा यहां पे केसीएल मतलब करंट लॉ का जरूरत है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं किरचॉफ ने क्या बोला था, अगर नहीं भी जानते होंगे तो ध्यान दीजिए कि किरचॉफ ने बोला था कि इन एनी सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए, हमने यहां पे एक ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारा पी जंक्शन है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यहां से हमारे बहुत सारी करंट आ रही है, जा रही है। सो इफ देखिए, ये हमने ये हमारा I1 क्या है, इनकमिंग करंट है, I5 क्या है, इनकमिंग है, I2 क्या है, आउटगोइंग है, I3 क्या है, आउटगोइंग है, एंड I4 क्या है, आउटगोइंग है। तो हमें क्या करना होता है इस सर्किट में, कि इनकमिंग करंट जो भी होता है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमारा आउटगोइंग करंट होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं I1, तो हमारा पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव ले लिया, I2 हमारा आउटगोइंग है इसलिए नेगेटिव लिया, I3 हमारा नेगेटिव ले लिया क्योंकि आउटगोइंग है जैसे कि आप देख पा रहे हो, I4 हमारा आउटगोइंग है नेगेटिव ले लिया, एंड I5 हमारा इनकमिंग है। तो हमारा KCL के अनुसार हमने इसको लेकर के यहां पे जीरो बिठा दिया है, क्योंकि हमारा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। और इसको अगर हम इधर ले जाएं तो इस फॉर्म में आप पाएंगे, इस फॉर्म में आप यहां पे पाएंगे। तो चलिए, अब हम इसके प्रिंसिपल को जान गए कि एक्चुअली यहां पे इसका कोई काम नहीं था, फिर भी मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिया। तो अब हम देखते हैं कि रेजिडुअल करंट क्या होता है, और रेजिडुअल करंट, तो आइए हम जान लेते हैं कि रेजिडुअल करंट क्या होता है। तो देखिए, रेजिडुअल करंट, जब हम लाइन वायर में जो हमारा करंट जो जाता है, उसी तरीके से अगर न्यूट्रल में हमारा करंट है, वो दोनों अगर सेम है, मतलब हमारा सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग किरचॉफ लॉ को ये फ्लो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हमारा सर्किट में कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही कोई अगर इनबैलेंस हुआ और न्यूट्रल में करंट अगर कम हो गया, ये बराबर नहीं हुआ, लाइन वायर और न्यूट्रल वायर में जो हमारा करंट है वो अगर इक्वल नहीं रहेगा, उस जो हमारा इम्बैलेंस जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल करंट। तो रेजिडुअल करंट ही हमारा आरसीसीबी में ट्रिपिंग का कारण बनता है। कैसे हमारा आरसीसीबी को ट्रिप कराता है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, मेरा डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको पूरा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जस्ट लाइक एक ट्रांसफार्मर है। देखिए, ये हमारा कुछ नहीं है, तीन कॉयल होता है इसमें, बेसिक दो हमारा प्राइमरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल हो जाता है, जिसमें प्राइमरी कॉयल हमारा लाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो ये देखिए, ये आया प्राइमरी कॉयल, लाइन से जुड़ा है, फिर ये लोड में चला गया। ये न्यूट्रल वायर आया, ये सेकेंडरी कॉयल में जुड़ा है और ये हमारा लोड में चला गया। और तीसरा हमारा जो कॉयल होता है एक, वो होता है सेंसिंग कॉयल, जो कि हमारा रिले से कनेक्ट होता है, और ये जो हमारा रिले होता है यही हमारा ट्रिप कराता है सर्किट को। देखिए, इसमें एक और चीज हम देखे होंगे, ये अपना आरसीसीबी में ये टेस्ट पॉइंट होता है, जो कि हम आरसीसीबी को पुश बटन, एक होता है बटन
पुश करते हैं और वो ट्रिप हो जाता है। तो ये देखिए ये टेस्ट बटन के लिए दिया हुआ है। तो चलिए अब इसके हम फंडा को समझते हैं। ये हमारा आरसीसीबी का मेन जो फंडामेंटल है वो है। देखिए ये हमारा लाइन लाइन आ रहा है, ठीक है, ये हमारा लोड की तरफ जा रहा है और न्यूट्रल से वापस आ रहा है। तो ये देखिए ये जो क्वाइल है ना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करता है। उसी तरीके से ये जो न्यूट्रल है वो हमारा फ्लक्स जनरेट करता है। चूंकि नॉर्मल कंडीशन में दोनों का करंट सेम होता है इसलिए दोनों का फ्लक्स भी सेम होता है। लेकिन जैसे कोई अबनॉर्मल हुआ या कहीं से लीकेज हुआ तो क्या होता है, हमारा देखिए न्यूट्रल जो है ग्राउंड से अटैच होता है। न्यूट्रल वायर हमारा, हमने उसको न्यूट्रल को भी ग्राउंड दिया होता है कहीं भी। तो क्या होता है कि अगर हमारा कोई फॉल्ट हुआ और वो ग्राउंड में जैसे ही फ्लो करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल में हमारा जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम होगा तो हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग करंट में हमारा इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। तो उस टाइम क्या होगा, फ्लक्स इसके द्वारा ज्यादा और इसके द्वारा फ्लक्स कम बनेगा। और जैसे ही ऐसा होगा ये हमारा जो सेंसिंग कॉइल है ये एक्टिव हो जाएगा, ये सेंसिंग एक्टिव हो जाएगा और रिले के द्वारा आरसीसीबी को ट्रिप करा देगा। तो यही बेसिक हमारा फंडा होता है और इसमें कुछ ज्यादा एक चीज इसको भी ध्यान रखिए, ये जो हमारा टेस्ट बटन कैसे कार्य करता है, हम आरसीसीबी में ये पुश बटन जो दिया रहता है उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा न्यूट्रल से यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे टेस्ट बटन, ये टेस्ट बटन है। तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो करंट क्या होगा, यहां से जाएगा, यहां से फ्लो करेगा और फिर ये जो रेजिस्टेंस हमारा लगाएगा यहां जाएगा। तो क्या होगा कि यहां से जैसे हमारा इसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो न्यूट्रल वायर में जो है करंट कम हो जाएगा क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है। उस तरह उस हिसाब से क्या होगा कि हमारा फिर से इम्बैलेंस जनरेट होगा और फ्लक्स ये न्यूट्रल कम उत्पन्न करेगा जबकि ये लाइन ज्यादा उत्पन्न करेगा और ये सेंसिंग कॉइल सेंस करके ये हमारा रिले को ट्रिप करा देगा। तो ये हम रेगुलर अपना 1 मंथ या 15 दिन में टेस्ट बटन को टेस्ट करके टेस्ट बटन को पुश करके अपना हम चेक कर लेते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस अगर हम आरसीसीबी यूज कर रहे हैं लेकिन हमने अगर न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया है वो आरसीसीबी हमारा ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम जान लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि हम आरसीसीबी यूज क्यों करते हैं। देखिए कोई भी हमारा ऑपरेटर है जो मशीन यूज कर रहा है, चाहे हमारा होम अप्लायंस है, जो हम चाहे इलेक्ट्रिक आयरन ही यूज कर रहे हो, तो हमारा क्या है, हाथ से हमारा मशीन टच होता है जो कि मेटालिक बॉडी होता है, उसमें करंट फ्लो करता रहता है, वो कंडक्टर होता है। तो अगर हमारा कोई भी अगर मान के चले कि फॉल्ट आया और मशीन में हमारा अगर करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारा जो ऑपरेटर होगा उसको शॉक लगेगा। शॉक लगेगा तो हमारा ऑपरेटर को बहुत नुकसान पड़ेगा, सारी बॉडी डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगता है, यहां तक कि मौत भी हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि एमसीबी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो देखिए एमसीबी क्या होगा कि हमारा केवल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में ये ट्रिप कराएगा सप्लाई को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एमसीबी अगर सी टाइप हम मोस्टली यूज करते हैं जो कि अगर मान के चलिए 32 एम्पियर है तो ये कभी कभी 5 गुना करंट पे जाके ट्रिप करता है। तब तक क्या होगा, मान के चलिए अगर इसका देखेंगे तो 100-150 एम्पियर हो जाता है और हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है वो 30 मिली एम्पियर तक सेंसेशन, मतलब उसको इलेक्ट्रिकल अगर शॉक लगे 30 मिली एम्पियर उसके शरीर से मतलब प्रवाहित होता है तब तक वो सह सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं सहेगा, इसके ऊपर वो उसका बॉडी रेजिस्टेंस नहीं रखता है। तो क्या होगा, काफी नुकसान हो जाएगा हमारे बॉडी को। इसलिए हम क्या करते हैं कि आरसीसीबी यूज करते हैं। आरसीसीबी में 30 एम्पियर का हमारा अगर मिली एम्पियर से अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो क्या होगा, यहां से हमारा सप्लाई ट्रिप कर जाएगा और ये मशीन से बंद हो जाएगी और इससे हमारे ऑपरेटर सुरक्षित हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन था जिसके बारे में हम जाने कि रेजिडुअल करंट क्या होता है, आरसीसीबी ही क्यों यूज कर रहे हैं, एमसीबी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं आज तक अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, बट प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अच्छा लगता है हमें अगर मेहनत करते हैं और आप सपोर्ट करते हैं। तो देखते रहिए इलेक्ट्रिकल टॉक्स। धन्यवाद।